ही कथा सतयुग की है, जब हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जैसे भयानक राक्षस अपने अत्याचारों से चारों ओर अधर्म फैला रहे थे। और तब करुणा अवतार भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए वरह रूप में प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने अनुज की हत्या से हिरण्यकशिपु अत्याधिक क्रोधित हो उठा और उसने भगवान श्री विष्णु से प्रतिशोध लेने का निश्चय कर लिया और इसीलिए ब्रह्मा जी की आराधना करने और परम शक्ति पाने के लिए मंदार पर्वत की ओर चल पड़ा। वहीं दूसरी ओर देवतागण हिरण्यकशिपु की गर्भवती स्त्री कयाधु का वध करने निकल पड़े, परंतु भगवान के शुद्ध भक्त श्री नारद मुनि ने देवता गणों से ये कहकर रोक दिया कि कयाधु के गर्भ में स्वयं भगवान के भक्त वास कर रहे हैं और देवताओं को उनसे कोई संकट नहीं होगा, बल्कि वो भक्त महाजन कहलाएगा और वो भगवान के प्रति प्रेम और अटूट विश्वास का उदाहरण बनेगा। ये कहकर उन्होंने देवता गणों को आश्वस्त किया और कयाधु को वो अपने साथ अपने आश्रम ले गए। नारायण नारायण, पुत्री तुम निश्चिंत होकर इस आश्रम में अपने पति के वापस आने तक रह सकती हो, तुम्हें यहाँ भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद मुनिवर, मैं आपके आश्रम में भक्तिमय सेवा में युक्त होना चाहती हूँ, जिससे मेरा संतान भगवान का एक भक्त बन सके। अवश्य पुत्री, यहाँ पे तुम्हें महलों का आराम तो नहीं मिलेगा, परंतु तुम भगवान विष्णु में ध्यान लगाओगी तो मन की शांति अवश्य पाओगी। नारायण नारायण। नारद मुनि के आश्रम में सदैव श्री हरि के नाम का जप होता था, उनके ही भजन गाए जाते थे, उनके ही अनुपम लीला का वर्णन होता था और कयाधु उन्हें ध्यान पूर्वक सुनती थी। सौभाग्य से उस वातावरण में व्याप्त भक्ति को वो शिशु अपने माता की गर्भ में सीख रहा था। एक दिन हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान आश्रयेश्वरा इति भूतानि मनसा कामस्ते साधु मानयेत। अर्थात मनुष्य को हमेशा परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, वे प्रत्येक जीव के अंतकरण में स्थित हैं, इसीलिए उसे हर जीव का आदर करना चाहिए। अरे तुम तो सो गए। अच्छा मैं कथा यहीं समाप्त करता हूँ। नहीं गुरुदेव, मैं सुन रहा हूँ, अब बोलिए। गाओ। अच्छा तुम, कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि गर्भस्थ बालक ने मेरे शब्द सुने होंगे। हरि की लीला अपरंपार है। नारायण नारायण हरि केशव कृपाला नारायण। ये कैसा विचित्र संयोग था कि एक तरफ पिता अपनी शत्रुता निभाने के लिए आतुर था और दूसरी ओर उनका पुत्र जन्म के पूर्व ही प्रभु नारायण का भक्त था। हिरण्यकशिपु इस संपूर्ण घटनाक्रम से अनजान था और घोर तपस्या में लीन था। वह एक पैर पर खड़ा होकर ब्रह्म देव की आराधना कर रहा था। ओम ब्रह्मणे नमः।
उसकी तपस्या दृढ़ और अटूट थी। उसका मंत्र उपचारण समय के साथ साथ और भी प्रभावी होता गया। ओम ब्रह्मणे नमः। इस कठिन तपस्या के कारण हिरण्यकशिपु के सिर से एक प्रकार की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। से लेकर स्वर्ग तक हर कोई गर्मी के कारण छटपटाने लगा। सभी लोग के समस्त बड़े ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। वत्स हिरण्यकश्यपु, कल्याण हो। इस दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का प्रणाम स्वीकार कीजिए ब्रह्मदेव। हे कश्यप मुनि के पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। कहो, क्या वरदान चाहिए? हे प्रभु, ये भक्त आपके केवल दर्शन से ही तृप्त हो गया है। अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो आप मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए प्रभु, अमरत्व का वरदान दीजिए। नहीं वत्स, अमरत्व का वरदान देने का अधिकार मुझे भी नहीं है। जीवन मरण प्रकृति के नियम हैं और मैं भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। कुछ और वरदान मांगो वत्स। यदि मैं अमरत्व का वरदान नहीं प्राप्त कर सकता तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मृत्यु प्राप्त ना कर सकूं, ना मनुष्य से, ना पशु से, ना दैत्य से, ना देवताओं से, ना भीतर ना बाहर, ना रात ना दिन, ना अस्त्र ना शस्त्र, ना पृथ्वी ना आकाश, आपकी बनाई हुई किसी भी चीज से मेरी मृत्यु संभव ना हो, मेरी मृत्यु संभव ना हो, मेरी मृत्यु संभव ना हो। हे दैत्यराज, जो वर आप मुझसे मांग रहे हो वो दुर्लभ होने पर भी मैं आपको पूर्ण रूप से प्रदान करता हूँ। तथास्तु। सावधान कायर देवताओं, सावधान। अब मैं एक अजय और अमर योद्धा हूं। मुझे अपना स्वामी स्वीकार कर लो, अन्यथा तुम सबको मेरी क्रोध की बलि चढ़ना होगा, क्रोध की बलि चढ़ना होगा। सैनिकों जाओ, विष्णु के सभी मंदिरों को नष्ट कर दो, उसके हर एक भक्त का सर्वनाश कर दो। जहां कहीं भी गौ और ब्राह्मणों की सुरक्षा प्राप्त है तथा वेदों का अध्ययन होता है, उस स्थानों को तुम अग्नि लगाकर भस्म कर दो। केवल मेरा स्वामित्व को स्वीकार करने वालों को अभय दान दो। जाओ, आदेश का पालन करो, आदेश का पालन करो। Ha 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 ha
एक और हिरण्यकशिपु सबको विष्णु भक्ति त्याग कर स्वयं की पूजा और अर्चना करने के लिए बलपूर्वक बांध रहा था, और दूसरी ओर उनका ही पुत्र प्रह्लाद विष्णु भक्ति में लीन रहता था। उसके मन में प्रभु हरि और जीवा पे प्रभु का नाम हुआ करता था। वह गुणों का सागर था। हिरण्यकशिपु ने अपने प्रिय पुत्र को अपने गुरु शुक्राचार्य के गुरुकुल में भेजा। इस गुरुकुल में छोटे बच्चों को छल या बल किसी भी तरह से भौतिक जगत में सफल होने के पाठ पढ़ाए जाते थे। आइए हम आपको गुरुकुल ले चलते हैं, जहाँ पे प्रह्लाद उसके शिक्षकों शंड और अमरक से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीवी भव, यशस्वी भव। मेरे प्यारे छात्रों, कल हमने सीखा कि कैसे असुर पुत्र होने के कारण हम सभी को यह जानना कितना महत्वपूर्ण है कि हमारे सबसे बड़े शत्रु है देवतागण, और संक्षेप में विष्णु। आज हम इस भौतिक जगत में शक्तिशाली बनने के विभिन्न तरीके पर चर्चा करेंगे। पहला तरीका है कि ब्राह्मणों का विनाश। अगर ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो कोई यज्ञ नहीं होगा, और इस तरह देवता यज्ञ से प्रसन्न ना होने के कारण स्वतः ही दुर्बल हो जाएंगे। तो बताओ, अगर आपके सामने 5 ब्राह्मण हैं और मैंने 1 ब्राह्मण को मार डाला तो कितने बचेंगे? 1 भी नहीं। वो कैसे? दूसरे सबको हम मार देंगे। अति उत्तम, बहुत चतुर हो। इस तरह अमरक और शंड अपने छात्रों को देवताओं, विष्णु और उनके भक्त की विरुद्ध तरह तरह की शिक्षा देते थे, परंतु भक्त प्रह्लाद को उन शिक्षाओं में जरा भी रुचि नहीं थी। वह तो केवल अपने गुरु नारद मुनि की शिक्षा का अध्ययन करता और सदैव विष्णु भक्ति में लीन रहता था। एक दिन वह अपने पिता को मिलने महल में आए। महाराज की जय हो, राजकुमार प्रह्लाद आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें तुरंत ले आओ। प्रणाम पिताश्री। आओ पुत्र, मेरे पास आओ, बैठो। मेरे प्रिय पुत्र प्रह्लाद, मुझे बताओ कि तुमने अपने शिक्षकों से जो शिक्षा प्राप्त की है उनमें तुम्हारी दृष्टि से सबसे उत्तम शिक्षा क्या है? तत्साधु मन्ये सुरवर देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे असुरश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ सत्य यही है, जिसने भी इस नश्वर शरीर को धारण किया है वो सदैव ही चिंतित रहता है। उसने अपने आप को ऐसे कुएं में ढकल दिया है जहाँ पानी नहीं दुख ही दुख है। ऐसी गंभीर स्थिति से बचने के लिए उसे वन जाकर भगवान श्री हरि का आश्रय लेना चाहिए, उसी में उसका कल्याण है। मेरे बालक के विचारों को मेरे शत्रु विष्णु और उसके भक्त ने दोषित कर दिया है। लगता है
कि विष्णु भक्त वेश बदलकर हमारे सीमा में प्रवेश कर इस विष्णु भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। सैनिकों, इस बालक के गुरुकुल में इसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो। छठ वेश में घूमने वाले वैष्णव द्वारा उसकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो, इसका तुम ख्याल रखो। सैनिक जब गुरुकुल पहुंचे तो उन्होंने शंड और अमरक को प्रहलाद का व्यवहार बताया। उनके गुरु बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने प्रहलाद को डरा धमका कर समझाया कि कक्षा में चौकस रहें और असुर शिक्षाओं पर ध्यान दें। परंतु प्रहलाद महाराज ने ना केवल अपनी भक्ति जारी रखी बल्कि अपने मित्रों को भगवान विष्णु की महिमा बताने लगे। अच्छा मित्र, तुम्हें ज्ञात है कि किसके सहस्त्र नाम है और कौन कण कण में बसता है? कण कण में? हिरण्यकशिपु। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। सबसे बेखबर उनके गुरु उन्हें शांति से बैठकर शिक्षा ग्रहण करते देख बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रहलाद की माता को बताया कि आपका पुत्र गुरुकुल में एक होनहार छात्र है, हमें उस पर गर्व है। उन्हें ऐसा लगा कि अब उचित समय आ गया है कि वे प्रहलाद को महाराजा हिरण्यकशिपु के समक्ष ले जाया जाए। महाराज की जय हो। राजकुमार प्रहलाद और गुरुपुत्र शंद और अमरक आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें तुरंत ले आओ। हे परम पूज्य पिताश्री, आपके चरण में मेरा सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। आओ मेरे प्रिय पुत्र, आओ बैठो। इतने काल में तुमने तुम्हारे गुरु से बहुत सी शिक्षा प्राप्त की होगी, अब तुम उस सब में जिस शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ समझते हो उसका वर्णन करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदनम् इति पुंसः
शार्पिता विष्णु भक्तिश्चेनवलक्षणा क्रियेत भगवती अद्धा तन्मन्येधितमुत्तमम्। अर्थात भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, उनके रूप तथा उनकी लीलाओं के विषय सुनना एवं कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनकी पूजा करना, उनसे प्रार्थना करना, भगवान विष्णु का दास बनना, भगवान को स्मृति रूप में स्वीकार करना तथा उन पर अपना सर्वस्व नौछावर करना, शुद्ध भक्ति के नौ विधियां द्वारा जो भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है उसे ही सर्व अधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए। हे मेरे गुरु के सबसे पतित पुत्र, तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है और मेरे शत्रु के पक्ष का आश्रय लिया है। तुमने इस मासूम बालक को विष्णु भक्ति सिखाई है, यह क्या मूर्खता है? नहीं महाराज, नहीं, जो आपके पुत्र ने कहा है वो ना मैंने सिखाया है ना ही अमरक ने। हे दुष्ट प्रह्लाद, हमारे परिवार के सबसे पतित, बताओ, मुझे बताओ, यदि तुम्हारे शिक्षकों ने ये सब नहीं सिखाया तो विष्णु भक्ति तुमने कहां से सीखी? जो भगवान विष्णु की भक्ति करता है और उनका हमेशा स्मरण करता है, उसका मार्गदर्शन वे स्वयं करते हैं। बस बस हो गया। सेनापति, मेरी सहनशीलता की सीमा का अंत हो गया है। इस पितृद्रोही अधम बालक को मृत्यु दंड दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। नहीं नहीं स्वामी, आपसे विनती करती हूँ, ऐसा मत कीजिए, वो आपका पुत्र है। भले ही ये मेरा शरीर का एक अंग है, परंतु जैसे शरीर का कोई भाग जहरीला हो जाता है, उसे शरीर से काट कर फेंकना ही उचित है, वरना वह पूरे शरीर को दूषित कर देता है। उसी प्रकार प्रह्लाद का वध करना ही उचित है, इसलिए उसे तुरंत ही मार दिया जाए। सैनिकों, प्रह्लाद को मार दिया जाए, प्रह्लाद को मार दिया जाए। हिरण्यकशिपु के आदेश अनुसार सैनिकों ने उसके वध करने का हर संभव प्रयास किया। उन्हें हाथी के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया गया। जहरीले सर्पों के बीच फेंका गया। पर्वतों की ऊंची शिखरों से फेंका गया। परंतु उसे मारने का हर प्रयास निष्फल गया। अतः शंड और अमरक ने प्रह्लाद को वापस हिरण्यकशिपु के सामने प्रस्तुत किया। महाराज की जय हो। आपके आदेश के अनुसार प्रह्लाद को हर तरह से मारने का प्रयास किया गया,
परंतु उसे कुछ नहीं हुआ। विष्णु के कारण हर प्रयास निष्फल रहा। मात्र 5 साल का बालक, पर उसे मृत्यु छू भी ना पाई। उसने विष्णु का प्रचार करके अन्य बालकों की भी बुद्धि दूषित कर दी है महाराज, दूषित कर दी है। महाराज, अगर इस बालक को जल्दी ही मारा ना गया तो उसके बुरे प्रभाव से सारा असुर कुल का नाश हो जाएगा। प्रहलाद, मैंने सारे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त किया है, सारे देवी देवता भी मेरे भय से कांपते हैं। मेरी ये सारी शक्तियां तुम्हें भयभीत नहीं करती? बताओ प्रहलाद, बताओ तुम्हें ये शक्तियां कहां से प्राप्त होती है? मेरे प्रिय पिता, मुझे मेरी सारी शक्तियां वहीं से मिलती है जहां से आपको मिलती है। भगवान श्री विष्णु की शक्ति के बिना तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि वे सभी जगह है। विष्णु, विष्णु, बस बस करो ये विष्णु का नाम। दुष्ट, तुम मुझे सिखा रहे हो? अब मुझे यकीन हो गया है कि तुझे मेरे ही हाथों मरना होगा। हाँ, तुझे मेरे ही हाथों मरना होगा। अब देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि तेरा ये विष्णु तुझे कैसे बचाता है। कहाँ है विष्णु? कहाँ है? बता मुझे। भगवान श्री विष्णु इस सृष्टि के हर कण कण में है। क्या इस खंबे में भी है? जी हाँ, वे इस खंबे में भी है। यदि आज इस खंबे में है तेरे विष्णु, तो मैं देखता हूँ कि तुझे ये कैसे बचाता है। हे दुष्ट हिरण्यकशिपु, ये देख, ये ना दिन है ना रात, ये संध्या वेला है।
ना तू घर के भीतर है ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ब्रह्मा की बनाई हुई किसी भी प्राणी से तेरी मृत्यु नहीं हो रही है। सभी भक्त बहुत प्रसन्न है इसे, इसीलिए हम उन सभी के लिए एक बार जोरदार हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कौन आप गिफ्ट एक्सेप्ट करें, और जब तक ये भक्तों को गिफ्ट मिल रहा है हम सभी हरे कृष्ण महामंत्र बोलना जारी रखेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबको बोलना, आप सुन रहे हैं इनका, बेचारा अकेला बोल रहा है, सबको साथ में बोलना है, सही बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम अब मैं जिन्होंने इस पूरे ज़्यादा थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, माता जी प्रभु जी, जिन्होंने ये पूरा ड्रामा का आयोजन किया, हमारे कल्चरल फेस्टिवल्स के लिए उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, धनंजय प्रिय प्रभु और उनके वाइफ विवाह माता जी, हम चाहते हैं कि वो दोनों स्टेज पर आए। इन्होंने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया, हर फेस्टिवल में जो कल्चरल एक्टिविटीज होंगे उनके इन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, और बेहतरीन तरीके से इन्होंने बहुत मेहनत किया है अपने बिजी शेड्यूल के अंदर भी। हम उनको एक बार धन्यवाद देना चाहेंगे, वापस एक बार तालियां भी बजाइए और हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।